वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अपनी थाती विद अंजनी निगम। इस चैनल में आप पाएंगे भारतीय संस्कृति, धरोहर, परंपरा, इतिहास के वीर बलिदानियों, समाज सुधारकों की प्रेरणादायक अनसुनी गाथाएं, जिन्हें सुनकर आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत को जीत इसलिए मिली क्योंकि हिंदुस्तानी फौजों में दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए मर मिटने के अली जवान थे। भारतीय वायुसेना के ऐसे ही एक फ्लाइंग ऑफिसर थे निर्मलजीत सिंह सेखों, जो अकेले ही दुश्मन के 6 जेट विमानों से जूझ पड़े और बलिदान हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया। उनकी बहादुरी की बदौलत ही युद्ध में श्रीनगर एयरबेस बच सका। उनका जन्म 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत के बाद प्रमुख रक्षा ठिकानों पर हमलों का खतरा बढ़ गया। पाक सीमा से बिल्कुल नजदीक होने की वजह से श्रीनगर एयरबेस बेहद अहम था। आशंका सच साबित हुई और 14 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने धावा बोल दिया। उसके 6 जेट घुसाए। वहां पर एयरफोर्स की 18वीं स्क्वाड्रन तैनात थी। 2 मेंबर्स वाली टीम की कमान फ्लाइंग लेफ्टिनेंट घुम्मन के हाथ में थी। गिरते हुए बमों के बीच दोनों ने अपने अपने एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी। टेक ऑफ करते ही घुम्मन ने विजुअल्स खो दिए। अब सेखों ने मोर्चा संभाला। दुश्मन के एक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाकर दूसरे को आग के हवाले कर दिया। तब तक बाकी पाकिस्तानी जेट्स भी वहां आ गए। अब एक का मुकाबला 4 से था। घिरे होने के बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने चारों को उलझाए रखा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उन्हें बेस पर लौटने की सलाह दी, मगर सेखों ने दुश्मन को खदेड़ना जारी रखा। उनका जेट दुर्घटनाग्रस्त देख पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट लौट गए। सेखों ने आखिरी वक्त में एयरक्राफ्ट से निकलने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुए। बाद में उनके विमानों का मलबा एक खाई में मिला, लेकिन सेखों के पार्थिव शरीर का कुछ पता नहीं चला।